हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड सेविंग सेंटर में। दोस्तों आज मैंने राइस बोरी से पोटली बैग बनाकर तैयार किया है। तो इस तरह का देखिए, ये राउंड में मैंने इसे स्टिच किया है। तो देखिए इस तरह से बहुत ही ये खूबसूरत बन के तैयार हुई है। जो मैंने ब्रॉकेट फैब्रिक लिया है और लेस लगाई है, और ये ऊपर डोरी की जगह मैंने लेस लगा के तैयार किया है। तो देखिए इसे इस तरह से ओपन करते हैं, और इसे इस तरह से ओपन करके कोई भी सामान आप अपना सेट कर सकते हैं। देखिए इसमें बहुत सारा स्पेस है, और इसे इस तरह से हम इसे लॉक करते हैं। तो ये बहुत ही यूजफुल बन के तैयार हुई है, और इसे किस तरह से बनाई जाती है वो मैं बताने वाली हूँ। इससे पहले दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने इसे राउंड में कटिंग कर दिया है, ये देखिए। और इसी तरह से हमें दूसरा जो हमारा मेन फैब्रिक है उसे भी हम कटिंग करेंगे, और जो हमारा लाइनिंग है उसे भी हम कटिंग करेंगे। और मैंने ये चावल की जो पन्नी लिए हैं उसे डबल में लिया है मैंने। तो इस तरह से देखिए ये, और इसके नाप मैं आपको बता देती हूँ। ये हमें लेने हैं लाइनिंग और चावल की पन्नी, और ये राउंड में हमें इस तरह से लाइनिंग और दोनों दोनों की मैं नाप करके दिखा देती हूँ। 14 इंच है, 14x9 इंच का हमें इस तरह से फैब्रिक ले लेना है। मेन फैब्रिक और लाइनिंग दोनों ही हमें ले लेने हैं, और इस तरह से ये हमें राउंड में हमने कटिंग किया है। इसकी भी मैं लंबाई चौड़ाई दिखा देती हूँ। 5.5 इंच इसकी लंबाई और चौड़ाई है, मैंने इसे राउंड में कटिंग कर दिया है। अब मेन फैब्रिक को स्टिच करेंगे, फिर उसके बाद इसे भी कटिंग करेंगे, और मेन फैब्रिक को इसी तरह से हमें कटिंग करना है, और जो लाइनिंग है उसे भी इसी तरह कटिंग करना है। तो देखिए मैं इसे इस तरह से इसे स्टिच कर लेती हूँ। Thank you.
अब देखिए दोस्तों, हमें इस नाप की इस तरह से एक स्ट्रिप लेनी है और उसे दोनों साइड से फोल्ड कर लेना है और 1 1 इंच का हमें मार्जिन रखते हुए जो हमने मार्क लगाए हैं उसका हमें मार्जिन रखते हुए इस तरह से हमें इसके साथ अटैच करना है और बीच में हमें स्पेस रखना है। इस तरह से देखिए हमें अटैच करना है, दोनों साइड से हम इसे स्टिच कर लेते हैं ताकि ये हमारा लॉक हो जाए और दोनों साइड से हमें इसी तरह से स्ट्रिप लगानी है। तो मैं दोनों तरफ से दोनों साइड से स्ट्रिप लगा दूंगी और जो हमारे दोनों साइड से जो मार्जिन है वो हमें 2 2 इंच के रखने हैं। तो देखिए मैं इस तरह से लगा लेती हूँ और हमें कम से कम आधा इंच यानी कि हाफ इंच हमें स्ट्रिप के बीच में स्पेस रखना है ताकि हमारी डोरी उधर से गुजर जाए आसानी से। हमें डोरी निकालनी होगी तो इसलिए हमें अब हम लाइनिंग तैयार कर लेते हैं। देखिए हमने ये डोरी ली है, ये लेस ली है, आप डोरी ले सकते हैं, बना भी सकते हैं उरे पट्टी में डोरी। तो इस तरह से देखिए आप जैसी चाहे वैसी डोरी लगा सकते हैं इसमें। मैंने इस तरह से इसे देखिए इस तरह से जिस साइड से हम पहली डोरी डालते हैं उसके ऑपोजिट साइड से हमें दूसरी डोरी सेट करनी है। तो देखिए मैं इस बार इधर से डालूंगी तो दूसरी बार हमें इधर से डालनी है। अगर हमारी एक ही साइड से डल भी जाती है डोरी तो कोई बात नहीं, हम दूसरी साइड से वापस से उसको पिनअप करके दूसरी साइड से हम डाल देंगे। तो इस तरह से देखिए हमें डोरी सेट कर लेनी है, ये दोनों साइड आ गई। अब उस साइड भी हमें इसी तरह से डोरी सेट करनी है, लगा देनी है। ये देखिए